हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोको C3 के बारे में। तो रिसेंटली इस फोन का रिटेल बॉक्स इमेज लीक हो चुका है और इस इमेज से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसा मुझे लगा था कि ये रियलमी का बॉक्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि रियलमी के स्मार्टफोन बॉक्सेस आपको येलो कलर में देखने को मिलता है और इस बार पोको C3 का बॉक्स आपको येलो कलर में मिलेगा। और साथ में अगर आप अगले इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको पोको C3 का प्राइस देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको पीछे 10,999 रुपीज देखने को मिल जाता है, यानी कि ये फोन आपको 11,000 रुपीस में शायद देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी स्मार्टफोन बॉक्सेस हैं उनमें आपको MRP थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलता है। सो जो एक्चुअल प्राइस होगा, मुझे लगता है पोको C3 का प्राइस आपको 8,000 से 9,000 के आसपास देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। और इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो पोको C3 के अंदर आपको इस बार 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पर आपको एक फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और इस बार आपको यहाँ पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो ये हूबहू वही सेम डिजाइन है जिस तरह से आपको कुछ दिनों पहले Redmi 9C में देखने को मिला था, यानी कि जो Redmi 9C ग्लोबली आपको देखने को मिल जाता है उस फोन के सेम डिजाइन में आपको इस बार पोको C3 इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पेक्स में भी उतना कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस बार पोको C3 के अंदर आपको MediaTek Helio G35 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा, जैसे आपको Realme के कुछ स्मार्टफोन्स में हाल ही में देखने को मिला था। और यहां पर आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे 4GB RAM, 6GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 128GB का इंटरनल स्टोरेज पोको C3 के अंदर आपको मिल जाएगा। और कैमरे के बारे में बात करें तो यहां पर इस बार आपको पीछे डुअल या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा लेंस आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, सेकंड में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर या फिर वाइड एंगल लेंस, और लास्ट में यानी कि अगर आप इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है तो शायद यहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो यहां पर जो कैमरा केसिंग है जो आपको पीछे देखने को मिलेगा ये आपको स्क्वायर कटआउट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिनिमल डिजाइन के साथ इस बार पोको C3 आपको मिलने वाला है। और इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इस बार इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 5000 mAh का बिग बैटरी, साथ में 10 वाट का चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर मिलेगा और शायद इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस फोन का प्राइस कितना हो सकता है, यानी कि पोको C3 जो है ये आपको इंडिया के अंदर 8,000 से 9,000 के आसपास शायद देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं कैजुअली कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 10,000 के नीचे इतने सारे स्मार्टफोन आ चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। रियलमी की तरफ से आपको मिल जाता है, Xiaomi यानी कि MI की तरफ से आपको मिलता है, Redmi की तरफ से आपको मिलता है और Poco की तरफ से अभी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाता है ये सभी Xiaomi का ही डिवाइस है रियलमी को छोड़ के। सो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए। मतलब कोई अगर 10,000 के नीचे एक नया स्मार्टफोन लेना चाहता है तो उनको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा फोन मुझे लेना चाहिए। मतलब एक में अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, एक में अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, एक में अच्छा बैटरी मिलेगा और शायद एक में अच्छा डिजाइन मिलेगा। मतलब कि ये सभी ब्रांड अपने में ही कंपीट कर रहा है। सो देखते हैं पोको C3 का प्राइस कितना रहता है इंडिया के अंदर। और ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के महीने में आपको ये ऑफिशियली मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।